आज है 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लो आ गई गुड न्यूज। अब लाडली बहना को मिलेंगे प्रतिमाह 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। लाडली बहना योजना की 4 किस्त महिलाओं के अकाउंट में भेजी जा चुकी हैं। 5वीं किस्त महिलाओं के अकाउंट में 4 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान द्वारा भेजी जाएगी। यही नहीं, बहनों को 3000 रुपए शिवराज सरकार देने वाली है, लेकिन इस महीने 1500 रुपए खाते में आएंगे। ऐसे में इसके लिए भी इसी हफ्ते बड़ा ऐलान हो सकता है। रायसेन में सीएम ने कहा 4 अक्टूबर को आएंगे खातों में पैसे। सीएम शिवराज रायसेन के बेगमगंज पहुंचे। यहां उन्होंने 124 करोड़ की लागत से बने नल जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जल से आधारित समूह नल जल योजना के माध्यम से अब हर घर तक पानी पहुंचेगा। घर घर नल लगाए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि लाडली बहना योजना की राशि 4 अक्टूबर को खातों में डाली जाएगी। सिर्फ इतने दिन भरेंगे लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म, लास्ट डेट आई नजदीक। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना शुरू की है। इस योजना में लाडली बहनों को मुफ्त घर दिया जाएगा। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उन्हें पक्के मकान देने का ऐलान शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर रखी गई है। ऐसे में अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक है। अगर आपने भी अभी तक लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण जरूर कर लें। 450 रुपए में सिलेंडर रिफिल के लिए पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन। लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल कराने के लिए पंजीयन अब लाडली बहना योजना के पोर्टल पर कराया जाएगा। पंजीयन में कठिनाई ना हो इसके लिए समग्र सदस्य आईडी में नाम और गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी में मिलते जुलते नाम के मिलान की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। पंजीयन स्थल पर फोटो खींचकर उसका आधार के फोटो के साथ मिलान किया जाएगा। फोटो मैच होने पर ही पंजीयन हो सकेगा। किसानों के लिए राहत भरी खबर, सीएम का बड़ा बयान, सोयाबीन फसल में नुकसान का होगा सर्वे, मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बीते दिनों हुई बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि यदि सोयाबीन की फसल में कहीं नुकसान हुआ होगा तो जल्दी ही सर्वे करवाकर राहत राशि प्रदान की जाएगी। अगले कार्यकाल में भारत टॉप 3 इकोनॉमी में होगा, बोले मोदी। ग्वालियर में पीएम मोदी जातपात के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि विकास विरोधी तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे और आज भी खेलते हैं। वो तब भी जातपात के नाम पर लोगों को बांटते थे और आज भी यही पाप कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके अगले कार्यकाल में भारत टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। इससे भी सत्ता के भूखे कुछ लोगों के पेट पे दर्द हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सौगातों का पिटारा खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्वालियर में थे। यहां उन्होंने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास किया। 2,21,000 पीएम आवासों का गृह प्रवेशम और पीएम आवास में 1355 आवासों व अन्य इकाइयों का लोकार्पण किया। ग्वालियर दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और डबल इंजन सरकार का फायदा बताया। आंदोलन की राह पर बिजलीकर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम व पावर इंजीनियर एम्प्लॉयज एसोसिएशन आंदोलन की राह पर हैं। सभी कर्मचारी अपनी मांगे न मानने और बिजली कर्मियों के महापंचायत न बुलाने से नाराज हैं। इस संबंध में उन्होंने ऊर्जा सचिव के लिखित समझौते के बाद भी मांगे पूरी न होने का हवाला दिया। 2 अक्टूबर को उपवास का ध्यान आकर्षण किया। वहीं 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। अपने 40 प्रत्याशियों को भाजपा देगी ट्रेनिंग। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कई अन्य वरिष्ठ नेता इस ट्रेनिंग सेशन में 40 प्रत्याशियों को टिप्स देंगे। इसके साथ ही इन प्रत्याशियों से विधानसभा में नाम घोषित होने के बाद अब तक मिला रिस्पॉन्स भी पूछा जाएगा। ये ट्रेनिंग सेशन भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। आचार संहिता लगने से पहले इस मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नाम घोषित होने के बाद पहली बार ये सभी दिग्गज नेता छत के नीचे जमा होंगे। मध्य प्रदेश में इन 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।
मौसम विभाग की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से सिंगरौली अनूपपुर में भारी वर्षा की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्वी हिस्से के सीधी रीवा डिंडौरी शहडोल और सतना के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज सुबह 8:30 बजे के लिए चेतावनी जारी की, जिसमें कई जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। इस बीच प्रदेश के अन्य हिस्सों में गर्मी के साथ बेचैन करने वाली उमस का असर जारी है। जब चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद भावुक हो चले हैं। सीहोर में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के लाभार्थियों के बीच पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह ने रैली के आखिर में कहा, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। एमपी से चुनाव लड़ने पर उमा भारती का बड़ा बयान, किया ये ऐलान। दरअसल उमा भारती आज सोमवार को राजधानी भोपाल में सामाजिक समरसता गौरक्षा संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उमा भारती ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ा बयान दिया। एमपी में चुनाव लड़ने को लेकर उमा भारती ने कहा कि विधानसभा चुनाव और किसी राज्य से नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि वो लोकल चुनाव होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से मैं दोनों ही चुनाव नहीं लड़ूंगी। किसी अन्य और राज्य से मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी। पार्टी जैसा मौका देगी मैं उसी हिसाब से काम करूंगी। कांग्रेस ने सिलेंडर को माला पहनाकर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भोपाल में केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने सिलेंडर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। रागिनी नायक ने कहा कि एमपी में जनता महंगाई के बोझ से दबी हुई है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। एक तरफ सीएम शिवराज 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 209 रुपए बढ़ा दी है। एमपी में जातीय जनगणना की मांग भी उठी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बिहार सरकार को जातीय जनगणना के लिए बधाई दी, साथ ही एमपी में जातीय जनगणना कराने का शिगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो जातीय जनगणना कराई जाएगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगामी चुनाव से पहले एमपी की जनता को कुल 11 गारंटीज दी, जिनमें से एक दावा जातीय गणना कराने का भी है। इंदौर से संचालित हुई सबसे ज्यादा 2560 उड़ानें, सितंबर में बना उड़ानों का रिकॉर्ड। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल ने सितंबर माह में एक और इतिहास रच दिया। सितंबर माह में इंदौर से कुल 2560 यात्री उड़ानों का संचालन हुआ, जो इंदौर के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही यात्री संख्या में भी अगस्त की अपेक्षा करीब 8,000 की बढ़ोतरी हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर में ये संख्या और भी बढ़ेगी। यात्री और उड़ानों की संख्या में हुई बढ़ोतरी का खुलासा एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा तैयार की गई सितंबर माह की रिपोर्ट में हुआ। कांग्रेस आज भी देश को बांट रही, पीएम मोदी बोली। पीएम मोदी ने ग्वालियर चंबल को हजारों करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान वो कांग्रेस पर खूब गरजे। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों का एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत। अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। आज देखिए, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिख रहा है, लेकिन जिनको कुर्सी के सिवा कुछ नहीं दिखता, उनको देश का डंका बजना अच्छा नहीं लगता। भोपाल में आज 5 से 7 घंटे बिजली गुल रहेगी। भोपाल में आज 5 से 7 घंटों के लिए बिजली में कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस करने से सप्लाई बंद रहेगी। ऐसे में लोग बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले से निपटा लें, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक भैंसाखेड़ी, माधव आश्रम, बैरागढ़ मंडी, विवेक अपार्टमेंट, शाहपुरा ए सेक्टर, E7, अशोका सोसाइटी, अमलतास, संजीव नगर, पुलिस हाउसिंग, कम्फर्ट हाइट्स, बड़वई गांव में बिजली गुल रहेगी। एमपी में चुनाव से पहले बिजली कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बिजली कर्मचारियों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। 6 अक्टूबर से बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जबकि सोमवार को उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने उपवास और भजन कीर्तन किए। बिजली कंपनी के प्रमुख संगठन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम, पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने विद्युत क्षेत्र को बचाने और नियमित संविदा आउटसोर्स पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त रूप से लड़ने का निर्णय लिया। पर्यटकों के लिए खुला कून्नू राष्ट्रीय उद्यान, अब आसानी से कर सकेंगे चीतों का दीदार। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कून्नू राष्ट्रीय उद्यान के गेट नए पर्यटन सीजन में पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। पहले दिन कून्नू पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पूजा अर्चना कर गेट खोले गए। यहां पर्यटक अब चीतों के आसानी से दीदार कर सकेंगे।
ओपीएस को लेकर कर्मचारियों का धरना जारी। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी धरना दे रहे हैं। कई विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन भी दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए वो नई पेंशन योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। भारत में 74 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स पर लगा बैन। व्हाट्सएप ने आईटी रूल्स 2021 के तहत भारत में 74 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया। कंपनी ने अपनी मंथली रिपोर्ट में बताया कि इसमें 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का डेटा शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने में 14,767 शिकायतें दर्ज की गई थी, इनमें से 71 पर कार्रवाई की गई। बता दें कि भारत में 50 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं। क्या कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव? वीरी शर्मा ने ली चुटकी। कमलनाथ के चुनाव न लड़ने और उनकी बहू को टिकट मिलने की अटकलों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा। वीरी शर्मा ने कहा कि मैं कमलनाथ और उनकी उम्र का सम्मान करता हूं, हालत उनकी ऐसी है कि न चल सकते हैं न फिर सकते हैं। दिग्विजय सिंह पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी हालत ऐसी है कि मुंह नहीं दिखा सकते न जनता के सामने जा सकते हैं। आगे कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की गारंटी है। कांग्रेस 15 अक्टूबर के बाद जारी कर सकती है अपना वचन पत्र। विधानसभा चुनाव 2023 का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। एक तरफ शिवराज सरकार नई घोषणाओं और अपनी उपलब्धियां गिनाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपना वचन पत्र जारी करने की तैयारी में है। कांग्रेस 15 अक्टूबर के बाद अपना वचन पत्र जारी कर सकती है। कांग्रेस वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की फोन पर हुई बातचीत से ये बात सामने आई। अकाउंट में नहीं है पैसे, फिर भी होगा पेमेंट। आरबीआई ने अब यूपीआई यूजर्स के लिए क्रेडिट लाइन सर्विस ऑफर करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत आप बैंक अकाउंट खाली होने पर भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसे यूपीआई नाउ पे लेटर सर्विस की तरह जाना जाएगा। इस सर्विस में बैंक ग्राहकों के बैंक अकाउंट खाली होने पर भी यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा मिलती है। यूजर्स को खर्च किए पैसे चुकाने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं कटेगा। 4 दिन से हड़ताल पर डटे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स। आयुष विभाग के होम्योपैथिक छात्र छात्राएं 4 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कैंडल मार्च निकाला, सड़क पर झाड़ू लगाई। हकीकत यह है कि होम्योपैथिक छात्र छात्राएं 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि स्टाइपेंड ने महंगाई दर के अनुसार बढ़ाया जाए, नवीन डिस्पेंसरी के लिए सरकारी भर्ती में नवीन पदों का सृजन किया जाए, सवैतनिक मेडिकल लीव और समय से शैक्षणिक गतिविधियां करवाई जाए। हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स का कहना है कि ये एकमात्र शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय है, उसके बाद सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।